नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बिहार के 51 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, साथ ही खिलाड़ियों के लिए एक नया सौगात दिया जाएगा, ऐसा बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं। जो बच्चे खेलने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए एक नया सौगात मिलने वाला है। दरअसल बता दें आपको कि बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बात साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार के 8000 से ज़्यादा पंचायतों में, मतलब कि जब जितने भी पंचायत हैं उन पंचायतों में बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनवाए जाएंगे और इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा कितने रुपए मिलने वाले हैं, कितने रकम मिलने वाले हैं, जरा एक बार आप उनके मुँह से खुद सुनिए। 8000 पंचायतों में हमको काम करना है और लगभग 300 नगर निकाय में आदरणीय तारकिशोर जी को काम करना है। हम लोग खेल मंत्री को अपना काम करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे प्रत्येक ब्लॉक में और प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर एक बड़ा स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बनाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन हम एक व्यवस्था आपको बताना चाहते हैं कि हमने भी तय किया है कि 8080 पंचायत पूरे बिहार में है, जहां जहां जमीन उपलब्ध होगा हम तमाम जमीनों पर हम वहां पर एक मैदान बनाने का काम करेंगे। सुप्रीम फाइनेंस के माध्यम से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को लगभग पूरे जो 5 वर्ष का रूपरेखा तय किया गया है लगभग 19000 से अधिक करोड़ रुपया हमको मिलने जा रहा है। तो हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि हम तो और चीजें बना ही रहे, स्ट्रीट लाइट गांव में लगेगा, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, लेकिन पार्क और फुट और मैदान बनाने में भी सरकार कभी पीछे नहीं रहेगी। सिर्फ जमीन उपलब्ध होता जाएगा और हम इसको पूरी तरह रूपरेखा देते जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आए और गीला मंच के लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने तमाम लोगों को सुना। आपने किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया कि बहुत ही जल्द बिहार के तमाम पंचायतों में बस उन्हें जगह मिलने की देरी है और उस जगह पर वो बच्चों के खेलने के लिए मैदान बना देंगे। तो कहीं ना कहीं खेलने वाले बच्चों के लिए, जो गांव स्तर पे बच्चे हैं, छोटे छोटे गांव के बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनको खेलने के लिए मैदान बना दिया जाएगा, ऐसा बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने ही कह दिया है। ये बातें उन्होंने आज बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में कही है। आपको बता दें कि 51 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। अब देखना है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो कितना जल्दी बिहारवासियों के लिए सच साबित होता है, बिहार के बच्चों के लिए कितना जल्दी सच साबित होता है, क्योंकि उन्होंने बिहार के सभी पंचायतों में खेल का मैदान बनाने का बात कह दिया है। बहरहाल आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। धन्यवाद।